देवेंद्र प्रमुख साहब, फिल्म देखी आपने, कैसे लगी आपको? तिलक जी, मैं पूरी फिल्म देख नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीज, मुझे आभार पहुंचता पूरी फिल्म पर। आपने बहुत अच्छे से कांग्रेस को उसकी परिभाषा बता दी है। मैं आपकी परिभाषा बताऊं, उन्होंने देश के साथ क्या क्या किया था, मैं आपकी परिभाषा बताऊं, कैसे कैसे उसको जोड़े कर रखा था, कैसे कैसे उसका राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, कश्मीरी पंडित हमारे एजेंडे पर। सर, ये अब तक कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई, कुछ आंकड़ा है आपके पास प्रमुख साहब? तिलक जी, बताने के लिए तो देखिए बहुत लंबा समय हो गया, और क्या क्या बताना है मुझे, सिर्फ इतना बता। हमेशा जब डिबेट की बात आती है, कोई चर्चा होती है, तो 60 वर्षों पर चर्चा होती है। नहीं, मैं ये बताता आप, हूं आपको, एजेंडा आपका था ना, इन्होंने तोड़ा ना, आपके मुताबिक इन्होंने बर्बाद किया कश्मीर को, आपने सवारा ना, आप ये कह रहे हैं आपने सवारा, मेरे को इतना बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसाया, घर वापसी कितनों की हुई, एक आंकड़ा देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने कहे कितने पंडितों की वापसी हुई है, कश्मीर जो है पंडितों से अलग भी इस देश का अभिन्न है। मुझे एक सवाल, आंकड़ा नहीं है ना आपके पास, आपके पास आंकड़ा नहीं है ना कितने कश्मीरी पंडित बिसाए आपने? आप मेरे को एक बात बताइए, ये कश्मीरी पंडितों को लेकर आप मुझे इतना बता दीजिए, प्रमुख साहब बताइए ना, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर आपने बसाए तो कितने कश्मीरी पंडित बसाए वहाँ पर? और हर कश्मीरी को अधिकार मिलेगा, ये काम किया हमने। ये फिर कश्मीरी पंडित आज भी रिफ्यूजी क्यों है अपने देश में, क्यों है? आज नहीं है, आपसे पहले थे, आपसे पहले थे, आज नहीं है तिलक जी। तो 8,000 से ज्यादा जा रहे हैं, और धीरे धीरे अपने घरों पर, अपने स्टेट और अपनी जमीन के आधार को वापस। आंकड़ा दीजिए ना मुझे, दीजिए आंकड़ा, आंकड़ा देख लीजिए निकाल कर मैच के माध्यम से। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता आपके साथ, एक दिन में सबके साथ बोलता हूँ, एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा था, एक ही दिन में। वो सवाल का कोई मौजूद नहीं रहा, मैंने क्लियर कर दिया, कोई मौजूद, मैंने क्लियर कर दिया तिलक जी। 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से, 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से 3,50,000, सर सुन लीजिए ना, 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से 3,00,000, करीब 3,00,000, 3,50,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़ा, आपने कितनों को बसाया, सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। सारे को, आज सारा पंडित आज घाटी में जाने के लिए तैयार बैठक जाना शुरू हो गया, और कुछ समय दीजिए, अगर कोविड काल नहीं होता तो अब तक भेज देते अपने निवासों पर, 2050 में पर, अपने मकानों पर, 2050 में के साथ कहते हैं, 2060 में ये आने वाले समय में आप बताइए ना, जमीन के मालिकाना हक होंगे अपने कश्मीर के, 2050 में समाज वो पंडित, 2050 में रिफ्यूजी बनाया था कांग्रेस ने, उसका काम करेंगे, वो आपकी घर बसाएंगे। 2050 में, 2050 में, 2050 में नहीं, नहीं चले जी, 2060 में, 2050 में नहीं, कब? 2024 से पहले पहले कर देंगे, 2024 से पहले, गारंटी नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल फायदा उठा रहे क्या? बैठकर बोल रहा हूँ, किसने मुहूर्त निकाला 2024 से पहले? इंसाफ कर देंगे, पॉलिटिकल फायदा उठा रहा है, साथ बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ बकवास करने नहीं आता हमें, आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं, समझ जाइए, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्यादा तकड़ी आवाज रखते हैं, सुरेश जी को बताइए, अपनी अपनी बारी पर बात करें, ज्यादा फटे नहीं, एक मिनट, जोश में नहीं, ज्यादा ना आए, इतने बढ़िया लोग नहीं है, पता है पूरा देश जानता है, और इनकी औकात बता दी है, जो राजनीति के ये डेढ़ कोड़ी के लोग बच गए इस देश में, एक मिनट, अपनी औकात की बात करें, बात करें, बीच में बात ना करें किसी की, बता रहा हूँ, उंगली खाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों को नंगे करके तुम्हें सड़कों पर लाने का ही काम है हमारा, आरएसएस चैनल पर बैठकर डिबेट को हैंग करने की जो आदत है ना, तो सुधार दीजिए।